स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर किया मैं हूँ अभिमन्यु कार्यक्रम के प्रति जागरूक। महिला अपराध को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है अभियान। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश अनुसार निवाड़ी जिले में मैं हूँ अभिमन्यु कार्यक्रम के तहत लोगों को अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं हेल्पलाइन नंबर एवं पुलिस की मदद कैसे लें इसके लिए भी तरह तरह के कार्यक्रम कर जागरूक किया जा रहा है। उसी प्रकार आज निवाड़ी जिले के तरीचा कला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यक्रम में पधारे स्कूली छात्र छात्राओं सहित नागरिकों को जागरूक किया। दरअसल तरीचा कला के एक निजी मैरिज गार्डन में जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया के मुख्य अतिथि व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति ठाकुर के विशिष्ट आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कार्यक्रम के आयोजक तरीचा कला चौकी प्रभारी मनोज तिवारी, सेंद्री थाना प्रभारी जितेंद्र सोनी, महिला थाना प्रभारी मुकेश सिंह के नेतृत्व में तरीचा कला के अमर पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन नाटकों की स्थिति और लोगों को नाटकों के माध्यम से मैं हूँ अभिमन्यु कार्यक्रम के लिए जागरूक किया और गुड टच बैड टच महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल 100 चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1058 साइबर सेल हेल्पलाइन नंबर 1930 राष्ट्रीय महिला आयोग के नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं इस मौके पर तरीचा कला नगर परिषद के अध्यक्ष रोहित सूत्रकार, मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, अमर पब्लिक स्कूल के संचालक अमर पटेल, आकाश नवल, सरपंच थोना सत्यम शर्मा, राजा गुप्ता के साथ विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राएं एवं पुलिस बल बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं मौजूद रहे। निश्चित तौर पर पुलिस का जो फोकस है अभी स्कूल कॉलेज ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं पत्रकार बंधु हैं उनके माध्यम से इस तरीके के अपराध घटित ना हो उसके लिए हम लोगों को अवेयर करें और नज़र रखें कि कौन व्यक्ति हैं जो आवारागर्दी करते हैं और इस तरीके के अपराध कर सकते हैं घर के अंदर घर के बाहर आसपास पड़ोस में स्कूली परिसर में अथवा कॉलेज परिसर में इस तरीके की घटनाएँ किसी भी के द्वारा की जाएँ तो उनसे कैसे बचा जाए इस पर हमको फोकस करना है और इसके लिए हम जो है महाविद्यालय से लेकर के 3 तारीख से भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और जगह जगह नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्कूली बच्चों का इन्वॉल्व करके किस तरीके से जो लॉ में पॉक्सो एक्ट में अन्य चीज़ों में क्या क्या कानूनी प्रावधान है उनसे कैसे निपटा जाए लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों इसके लिए ग्रासरूट लेवल पर हमारे एडिशनल एसपी जिले के नोडल अधिकारी हैं मैडम और महिला थाना प्रभारी मुकेश और हमारे एसडीपी और थाना प्रभारी सभी जगह चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ फोकस हो सकता है जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं वो अपनी अभिमन्यु अभियान के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरीके के अपराध घटित ना हो। अगर संभावना है तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर समाज की सहभागिता होगी तो इसमें हम इस तरीके के अपराध में जो लोग करते हैं मानसिक विकृति जिनकी है तो उससे हम निजात पालेंगे और उस पर इफेक्टिव कार्रवाई होगी। सर नशा मुक्ति अभियान भी चल रहा है उसके लिए समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर यह एक बुराई है और इसमें हम ये लोग देखें कि पूरा एक व्यक्ति नशा परिवार में कोई करता है तो पूरा परिवार ही डिस्टर्ब होता है, आर्थिक जो है स्थिति उसकी बिगड़ जाती है, जीविकोपार्जन के साधन हैं वो सब जो है अस्त व्यस्त हो जाते हैं, परिवार का जो रहन सहन और प्रोग्रेस है वो सब गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरीके की प्रवृत्तियों पर हम जो है अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग करते हैं नशा या फिर जो है बेचते हैं तो उनको हम पुलिस को अवेयर करें, पुलिस को अवगत कराएं और उसमें हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ जहाँ हमको सूचना पता चलती है हम जो है कार्रवाई रेड करा रहे हैं और ऐसे लोग जो अभ्यस्त हो चुके हैं उनको भी नशा मुक्ति केंद्र में भेज करके हम जो है उनको उपचार करा सकते हैं जिससे वो समाज की मुख्यधारा में लौट के आ जाए। थैंक यू। मैं मुझे कोई माल लेना है और बोल के पापा ने भेजा है। तो बेटा क्या तुम्हें जानते हो? नहीं मैम मैं उनको नहीं जानती। चलो बेटा मैं देखती हूँ कि कौन आया। चलो नहीं आया तो मैं ऐसे कैसे किसी के साथ इसको भेज सकती हूँ? अरे नहीं मैम इसके पापा ने मेरे को भेजा,
आप कहो तो बात नहीं करवा सकता मैं। क्या हुआ मैडम? पता नहीं सर, कौन है बोले कि काव्या को लेने के लिए आया हूँ और उसके पापा ने भेजा है। अच्छा, इसके पापा ने आपको भेजा है तो कोड भी बताया होगा इसके पापा ने आपको। बताइए कोड क्या है? कोड कौन सा कोड? मुझे वो कोड नहीं बताया, मुझे वोट नहीं तोड़िए, जल्दी से भेज दो इसको। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी फोन करते हैं इसके पापा को। हेलो, हाँ जी मोहित जी, आपने काव्या को लेने किसी को भेजा है क्या? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं भेजा है, मैं खुद ही लेने आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हेलो पुलिस स्टेशन, बात कर रहा है। काफी दिन से शिकायत आ रही थी कुछ स्कूलों से बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, आज अच्छा चली गया था। पर आप आ गए वरना ये भाग जाता। आप टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना, चल मेरे साथ। देखो मैम, आप स्कूल में नहीं आए, आप इनके पेरेंट्स को बुलाइए और इनको एक कोड दीजिए और जो कोड बताए उनके साथ ही अपने बच्चों को भेजे, वरना अनजान व्यक्ति के साथ में बच्चे नहीं जाने चाहिए। अगर आपको शक हो तो आप या तो मेरे को इन्फॉर्मेशन करो या इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन करो, अनजान व्यक्ति के साथ नहीं भेजना अपने बच्चों को। आजकल शहर के अंदर किडनैपिंग का मामला बहुत बढ़ रहा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, हमें आनंदित करता हूँ।